जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय बैठक भिलाई में आहूत की गई, जिसमें जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में बौद्ध समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, सैकड़ों परिवार उससे वंचित हैं। भारत सरकार 10 अगस्त 1950 के पहले का रिकॉर्ड मांग रही है, जो समाज के लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बौद्ध समाज के लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए हैं और वर्षों से छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कागज नहीं है। वे लोग आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इसलिए समाज के लोगों ने संघर्ष का रूप धारण करने की कोशिश की है, जिसके तहत राजनांदगांव जिला जाति संघर्ष मोर्चा द्वारा पहला कदम उठाया गया, जो कि काफी सफल रहा। आने वाले समय में 1950 की नियमावली में परिवर्तन के लिए पूरा समाज लोकसभा में जाने से पूर्व छत्तीसगढ़ के सांसदों से निवेदन करेगा कि हमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में असुविधा आ रही है, हमारी मांगों को आप लोकसभा में उठाइए। एसटीएससी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके ने बैठक की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक जाति प्रमाण पत्र की समस्या के ऊपर था। प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र की समस्या लगातार बनी हुई है और इसको कई ऐसी सरकारें आई छत्तीसगढ़ में, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन लोगों ने एक हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया। अभी तक काम कोई नहीं किया इस प्रमाण पत्र के ऊपर में। ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, बल्कि इसको और जटिल किया गया है। काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं और उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण कई ऐसे नौकरियां हमारे हाथों से जा रही है, माने किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये जो आंदोलन है जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, जो आंदोलन है जो पूरे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत राजनांदगांव से हुई है, उस बैठक को लेके, उस संदर्भ को लेके आज इस डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में सभी लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष होने के नाते उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेके हमारे बीच आए और हमारी संस्था भी इस कार्यक्रम के लिए, जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष के लिए बहुत ही आगे आकर काम करेगी। और इन लोगों का माने इस समिति के साथ में, इस संघर्ष मोर्चा के साथ में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हर समस्या से निपटने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे रोड में लड़ाई लड़ना पड़े या विधानसभा में लड़ाई लड़ना पड़े या सांसद तक जाना पड़े, हम सब जगह जाने को तैयार हैं और इस प्रकार से इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुँचा के रहेंगे, उसमें हमारी पूरी भागीदारी रहेगी। बहुत वर्षों से हमने इस आंदोलन में जाति प्रमाण पत्र के मसले को लेकर के 20 साल पहले भी लगातार संघर्ष किया है, करते हैं, लेकिन जो अब आग लगी है, प्रदेश की सारी जनता आज बच्चों को पढ़ाई से उच्च शिक्षा में जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण समस्या आ रही है, वंचित हो रहे हैं। जो उद्योग में सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है करोड़ों रुपये तक का, वो व्यवसाय में हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। अब बच्चों की आवाज़ ऐसी आ रही कि समाज में तो बहुत काम किए हो, हमारा भविष्य को क्या होगा। इसलिए दलित पैंथर सेना हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने 15 साल की बाध्यता करके देते हुए बाहर से आने वाले SC ST के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया था, उसी तर्ज के ऊपर में छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा कोई समाधान निकाले कि हमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी मांगते हुए हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो संसद से लेकर चाहे जान की आहुति देना पड़े, लेकिन हम जाति प्रमाण पत्र लेके रहेंगे, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जाति प्रमाण पत्र संघर्ष मोर्चा की तरफ से राजनांदगांव में भव्य धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसमें सैकड़ों महिलाओं ने, सैकड़ों पुरुषों ने, तमाम अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, विशेष रूप से बौद्ध समाज के लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए
वो कार्यक्रम नहीं था, वो एक धरना, एक आंदोलन था। और उसमें लोग सवेरे से 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक उस धरना पर, कलेक्टर साहब को इस आंदोलन को देख करके मतलब सोचना पड़ गया कि इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन किया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक फंडामेंटल राइट संविधान के तहत एससी एसटी को नहीं बची बल्कि समूचे देश को दिया है, और वो फंडामेंटल राइट्स जो कि जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, और हम जो लोग हैं उनको मानने वाले लोग हैं, और वो अभी तक सभी वंचित हो रहे हैं। और जाति प्रमाण पत्र से वंचित होने के लिए अभी जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहला टप्पा के रूप में राजनांदगांव में यह आंदोलन था, अब भिलाई में होगा, रायपुर में होगा, बिलासपुर में होगा। आज हमारे साथ में उस आंदोलन में पूर्व विधायक आदरणीय विनोद खांडेकर जी शुरू से थे, उनकी तमाम टीम डोंगरगढ़ से आई थी, रविंद्र रामटेके जी के नेतृत्व में वहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसमें तमाम महिलाओं ने धूप में बरसात में घूम घूम कर कार्यक्रम इस आंदोलन को सफल बनाया। हमारे बौद्ध समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है कि हमारे लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, हम उनसे वंचित हैं। भारत सरकार 10/8/1950 का रिकॉर्ड मांग रही है जो हमारे समाज के लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत से नौकरी पेशे से मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और यहाँ वर्षों से निवास रहा था, लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है, आज भटक रहे नौकरी के लिए, पैसे के लिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने संघर्ष का रूप धारण करने के लिए कोशिश किया है। पहला प्रयास राजनांदगांव में 14 अप्रैल को हुआ है, और मैं 14 जुलाई को हुआ, और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा प्रयास था, जिसमें जिला संघर्ष समिति द्वारा कार्यक्रम था, लेकिन हमारा प्रदेश का सब पूरा नेतृत्व सुनील रामटेके जी, भोजराज गौरखेड़े जी, सारंग हुमने जी, अनिल खोबरागड़े जी, सभी अनिल गजबीय जी सब उपस्थित थे। तो निश्चित हमारे समाज के लोगों को लगा आज हम लोग ने छोटा स्टेप उठाया और पूरा प्रदेश हमारे साथ है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ये 1950 की जो नियमावली है उसमें परिवर्तन के लिए पूरा समाज लोकसभा में जाएगा, पहले छत्तीसगढ़ के सांसदों से उसमें सहमति लेगा, उनसे निवेदन करेगा कि हमको जाति प्रमाण पत्र बनाने में ये असुविधा रही, हमारी मातों को आप शासन तक पहुँचाइए, लोकसभा में हमारी आवाज़ को उठाइए। निश्चित जब तक वहाँ हमारी आवाज़ नहीं उठेगी तब तक सरलीकरण हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा।